नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो भाई, एक छोटी सी अपडेट है, एक छोटा सा भ्रम जो फैलाया जा रहा था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, पेपर रद्द होगा, पेपर को रद्द करवाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, ये जो एक रट लगा रखी थी उन लोगों की, अब जो है ना उस रट से वो दूर हट रहे हैं, उस रट को छोड़ दिया उन लोगों ने, ये चीज़ कहनी। और ये अच्छी खबर है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने पिछले महीने मदद, बहुत ज़्यादा मेहनत की पिछले 3-4 महीने में, और मुश्किल से पेपर पास हो पाए भाई। तो एक अच्छी खबर है उन सभी कैंडिडेट खातर जो पास हुए थे इस एग्ज़ाम में। तो पूरी जानकारी मैं आपने देऊंगा कि वह रट उन्होंने कैसे छोड़ी, कैसे उनका समझ आया और कहाँ तक मैंने यह चीज़ मिली कि उन्होंने वह रट छोड़ दी, और आज उनका बयान किस प्रकार का है। और शुरुआत में जो केस के नाम पर लोग भ्रमित कर रहे थे, अब वो बैकफुट के ऊपर है, वह सारी जानकारी मैं आपने दूंगा। उससे पहले बता दूँ, अगर आप फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से जुड़े हो तो चैनल ने कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आड़ आपने मिलेंगी सारी अपडेटेड जानकारी एक एक फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की। देखो, जब शुरुआत जब पीटीई का पेपर हुआ 23 अगस्त में हुआ था, उसके बाद पेपर के तुरंत बाद कुछ कैंडिडेट ने राग लापना शुरू कर दिया कि पेपर तो आउट था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, हम तो इसने रद्द करवाओगे। जो लोग ये राग अलाप रहे थे दरअसल कि हम तो इसने रद्द करवाऊँगा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, उन्होंने ये राग छोड़ दिया। अब पता है जो कोर्ट में गए उनका क्या कहना है, बोले हम तो इस डर से कोर्ट में जा रहे हैं कहीं पिछली भर्ती की तरह इस भर्ती में भी गड़बड़ियां ना हो जाए, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ फेयर हो, और फेयर करवाने के लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं। मतलब जो शुरुआत में केस के नाम पर पीछे इकट्ठे करे गए, उन अपने जो है राग वो लाइन हट गए उस लाइन से, भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, हम पेपर रद्द करवाओगे। मैं देख रहा था वीडियो, मैं देखता भी हूँ हमेशा, मैं ऐसा कुछ वो नहीं हूँ कि मेरे को किसी और से जानकारी लेने की जरूरत है। जो भी भाई केस को लीड कर रहा है मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, और भाई अपने तो बड़े भाई का सम्मान है, सबका मैं सम्मान करूँ हूँ, कोई किसी के साथ कोई पर्सनल वो नहीं है। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर पहले बताया था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, पेपर रद्द नहीं होगा। एक और कल मैं उनकी वीडियो देख रहा था, मैं बता भी दूँ, कल की वीडियो में वो भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि भाई भर्ती फेयर हो और पहले की तरह भाई कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इस डर से हम चाहते हैं कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट फिर से इसमें हस्तक्षेप कर ले और जाँच कर ले, भाई सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल दे कि भाई कोई गड़बड़ियाँ ना हुई हैं, पेपर आउट होया नहीं हुआ है। तो अच्छी चीज़ है कि समझ में आ गई, और वह गलत भी थी कि आप लोगों ने भ्रमित कर रहे थे शुरू में, लेकिन ये भी समझ आ रही नहीं, यह भी अच्छी चीज़ है। आप बिल्कुल भाई जा सको हो फेयरनेस के लिए कोर्ट में, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, कोई गलत नहीं, जाना भी चाहिए। देखो, इसने मैं भी गलत नहीं मानता, लेकिन हम ये भ्रमित करके जाओगे हम तो भर्ती नरद भर्ती सॉरी पेपर को कैंसिल करवाएंगे, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, जुड़िए इतने इतने पैसे दे दीजिए, वो थोड़ा सा मैंने गलत लगे, और उसके ऊपर मैं रिएक्ट करना ज़रूरी भी समझा करूँ। तो अच्छी चीज़ है भाई, समझ में आ गई। एक चीज़ और जो फैलाई जा रही है कि पेपर आउट था। देखो, जो हिसार से जो भी सुनीता थी या मनदीप था, जो पकड़े गए जो भी कैंडिडेट, उसकी मैं बात बता दूं भाई, मेरे पास जो बातें आई, उस रूम में जो बैठे लोग थे, जो उस रूम में पेपर दे रहे थे, जहाँ पे वो सुनीता भी थी, जो जिसके बारे में न्यूज़पेपर में फैलाया गया ना कि जिसके पास से आंसर की प्राप्त हुई, उसकी मैं कहानी आपने बता दूँ कि उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था। पेपर स्टार्ट होने के 30-35 मिनट जो है हुए थे पेपर को स्टार्ट हुए, उसके बाद एक भाई मनदीप नाम का कोई लड़का रूम में आया है, और उसका हाथ में कोई पर्ची वर्ची होगी, उसने जैसे ही सुनीता को दिया तो उस रूम में जो भी टीचर थी उस टाइम पे, उसने उसको तुरंत देख लिया और वो पर्ची तुरंत उसके हाथ से ले ली, और वो मनदीप वहाँ से निकल गया। उसके बाद तुरंत मैडम पर्ची को देख के उसके पीछे, मनदीप के पीछे गेट तक गई है, उसने पुलिस वालों को कहा कि इसको पकड़िए, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो वो मैडम थी सुनीता, जो भी एग्ज़ाम दे रही थी, उसको पूरा पेपर देने दिया गया, क्योंकि नकल की कोशिश थी उससे आंसर की, वो जो भी लेके आया होगा, जो भी बाहर से जो भी नकल लिया, खुद वो हो सकता है बीपेड कैंडिडेट, हम नहीं जानते वॉट एवर क्या था वो। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, और उसके बाद उस सुनीता ने भी जो है मैडम ने पूरा पेपर किया है। उसके बाद पुलिस वाले उनके रूम के गेट के सामने खड़े, और उसके बाद उसको पेपर कंप्लीट होने के बाद लेके गए हैं, ठीक है। उस दिन वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, पेपर देने वाले जो उस रूम में बैठे थे ना, चसमदीद जो भी वहाँ पे पेपर दे रहे थे कैंडिडेट, उनसे आप बात कीजिए, जहाँ भी ये सेंटर था वहाँ पे। मेरे पास जो बातें निकल के आई वो ये है कि उसके बाद वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं, और किसी और के पास से कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो पेपर आउट होने वाला भरम, तो भाई मैं तो पहले दिन तक मानता हूँ कि पेपर आउट का पूट का कोई चक्कर नहीं, फिर भी कुछ लोग जिद कर रहे हैं कि आप धरनों पर जाइए, वहाँ
पे जो पुराने पीटीए बैठे हैं वो आपको प्रूफ दे देंगे। अरे कितनी मूर्खता भरी बात है यार कि पेपर आउट होगा वो आपने बैठ के कितने नहीं बताओगा मैं पेपर आउट करवा रहा था, मैंने पेपर कर लिया। आजकल लोग पल पल की रिकॉर्डिंग करते हैं यार, कितने आप बेवकूफ़ी भरी बातों में मत आइए, भरम पैदा करने वाली बात है यार। और जो आपने न्यू कब है ना पेपर आउट उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, जी निकल जाएगा एक मिनट में यार। और खुले में लोग जो है ना वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, ऑडियो भी वाले, पेपर आउट था मेरे पास आंसर की आ गई, मैंने यो कर दिया। अरे यार जो पेपर आउट करवाओगा ना वो इतना मंदबुद्धि नहीं होता कि खुले में वो ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि पेपर आउट था। यार गुपचुप होया करें, ये चीज़ अगर होती है तो ठीक है कोई। और ये जो बाहर निकल के आ रहे हैं ना ये लोग बता रहे हैं पेपर, वो सिर्फ भरम फैला रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। एक तो वीडियो चल रही थी जिसमें कह रहा था भाई कट ऑफ जाओगी 80 और 90 के बीच, मेरी तो किस्मत माड़ी थी कि मैं तो 3 खाने खाली रह गया, आके देखा तो गड़बड़। अरे यार कितना भरम फैलाया जा रहा है सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, आपको उकसाने के लिए। आपको शांत रहना है, सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। देखो केस वालों को तो समझ में आ गई पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, अब उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ दी। और उस लाइन के देखो उस लाइन के हक में मैं भी हूँ, आप बेसिक कोर्ट चले जाओ भाई, देखो कहीं पेपर आउट नहीं था, वीडियोग्राफी चेक करवा लो, अच्छी बात है यार, कोई गलत नहीं मानता। लेकिन न्यू कह के कोर्ट में लोगों ले जाना कि पेपर आउट था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, हम इसने कैंसिल करवाओगे 3-4 दिन में कैंसिल हो लेगा। अरे यार ऐसे मत करो, तो मैं ऐसे इसमें ना लास्ट में लोग गाली देंगे। हाँ अच्छा करोगे उसमें मैं भी सहयोग करूँगा, बिल्कुल भाई फेयर तो होनी चाहिए सारी चीज़, पहले वाला काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक हूँ कि पहले की तरह बात होगी तो फिर क्यों बेचारे उनकी नौकरी गई हुआ है, जो 10 साल बेचारे कर रहे फिर उनकी क्यों नौकरी खोसी भाई, जब पहले के जो सिस्टम करना है तो फिर तो उन्होंने वही बेटर थे हमसे, हमारी तो उम्र भी वैसे हो चली थी तो उन्होंने रहने देते। और कुछ अच्छा होना चाहिए, बेचारा की नौकरी गई है तो कुछ तो अच्छा हो उसके बाद यार, ठीक है। पहले की तरह घसड़ पसड़ मचानी है ना तो फिर पेपर की क्या जरूरत हुई, थे बेचारे और उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे यार, देखो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 10 साल मेहनत की स्कूलों में, लेकिन अपने देश का सिस्टम है भाई चने के साथ गुण भी पिसे है तो वह सिचुएशन होगी और सब कुछ पिस गया। सरकार का फॉल्ट उस समय की जो भी सरकार रही होगी और बेरोजगारी होगी, कांग्रेस सरकार में हर भर्ती ऐसी होती थी लेकिन पीटीए भर्ती को ऊपर केस हो गया, इसके नॉर्म्स चेंज करे गए वो तो उड़े जाके समस्या पैदा होगी, नहीं तो कितने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं अपने आसपास के लोग भी देख लो यार। आप रोल नंबर भी करना इस बेस पर अगर देखे 10वीं में कितने परसेंट नंबर, मेरे 60% नंबर थे 10वीं में, मेरा कभी रोल नंबर नहीं आया, मैंने बड़ी पीड़ा आया कर दी यार, मेरा रोल नंबर ही नहीं होगा मैं नौकरी कैसे लगूंगा। कम से कम आजकल रोल नंबर तो घर आ रहे हैं, पेपर देने का मौका तो मिल रहा है, क्लैपिंग कर दे अगर उस चीज़ का तो कुछ अच्छा हो रहा है ना, उसमें शाबाशी देनी चाहिए हमसे भी पक्ष के आदमी, ठीक है। मैं बीजेपी का कभी समर्थक नहीं हूँ, ना ही हो सकता कभी, इनकी जो नीतियाँ किसान और जो सरकारी संस्थाओं के बेच रहे हैं, लेकिन जो इन अच्छा करें ना हरियाणा उसके लिए बधाई के पात्र हैं। देखो भाई पेपर आउट हुए गड़बड़ियाँ, अब भी पीछा हम करवा देंगे लोग, लेकिन कुछ लोग तो लग रहे हैं यार पढ़ के, यह अच्छी चीज़ हो रही है। निरानरी ये नहीं कि भाई किसी मंत्री का पानी मारना, रोल नंबर दे के आना, वह चीज़ तो हमारा पीछा छूट गया, यह अच्छी चीज़ है और इस चक्कर में लोग पढ़ने भी लगे। तो भाई यह थी अपडेट कि जो केस वाले भाई थे उन्होंने अपनी जो है लाइन बदल ली और अच्छी चीज़ भी है, उन्होंने मैं बधाई भी दूंगा कि आपने आपका समझ में आ गई कि पेपर तो होना नहीं, ना कैंसिल होना ना दोबारा होना। हाँ आप फेयरनेस के लिए कोर्ट में जा सकते हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि आपको डर है कहीं फिर से वो ये चीज़ ना हो जाए। हाँ ईमानदारी से हुई आप इंक्वायरी करवा लीजिए, कोर्ट जो ऑर्डर देगा सरकार वो प्रूफ पेश कर देगी, आप वीडियोग्राफी चेक करवा लीजिए जहाँ पर आपको लग रहा है जहाँ से भी सुनीता पकड़ी गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हमने न्यू कहोगे हम विरोधी हैं आप लोग कोर्ट में जाने के, तो हमारा फर्ज बना है कि हम बिल्कुल सीधी बात बताऊँ यार, भ्रमित ना करना, भ्रमित करण का हमारा कोई औचित्य भी नहीं है और ना हम चाहवा भाई। और हमारे मोटिवेशन से अगर आप कोर्ट में गए हो तो यह भी एक अच्छी बात है भाई, हमारी गए हो और इसका पॉजिटिव रिजल्ट कुछ निकले। और लास्ट में मैं यह भी कहूँगा हम ना आप गलत साबित कर दो तो उसमें भी हमने खुशी होगी भाई, आप ऐसे कोई प्रूफ ले आओ कि पेपर आउट था फर्जी भर्ती होगी तो हमने खुशी होगी कि हम गलत साबित हो गए। हम सोशली रूप से भाई माफ़ी भी मांग लूँगा मैं तो कि ये गलत चीज़ हो रही थी, मैंने आपको गलत बयानबाजी करके मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर कहीं पे मैं गलत साबित हो गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माफ़ी मांगना कोई गलत नहीं, उससे हमारी इंसानियत का पता लगता है। और मैं सार्वजनिक रूप से बिल्कुल सॉरी बोल सकता हूँ अगर मेरे से कहीं फॉल्ट हुआ होगा तो, लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना सरकार का, जो सरकारी ढांचा है इस तरह के मामले में, वहाँ पे मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने अपने जो है वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन दी है और वही चीज़ें लगभग हो भी रही हैं, आप देख भी रहे हो, ठीक है। और भाई फिर कहूँगा कि पेपर रद्द होना नामुमकिन है, हाँ बिल्कुल
कुछ रियल में कुछ हो रहा है ना, तो उसका तो देखो अपन भी कौन बेरा। लेकिन हमारे पास जो भी सोर्स तो न्यूज़ आई ना, अब तक मेरे को कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसके सेंटर में, जिसके पास बैठ के कोई लोग आंसर किसी पेपर कर रहे थे। देखो हमारे भी तो कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जो हमारे कांटेक्ट में है डायरेक्टली, जो हम तो व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर जुड़ रहे हैं, जो पेपर दे के आए हैं। तो उन मत कोई तो कैंडिडेट नहीं कहता कि मेरा मेरा लिफाफा पाटेड़ा मिला मन, या कुछ और मिला, या मेरा गेल्डा जो है ना आंसर कीमत पर। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं आया, तो मैं कैसे कह दूं कि पेपर आउट था यार। 95 तो सारे सेंटर थे, ये 95 के जो 95 सेंटर थे उन मत मारे नॉन जो कैंडिडेट थे वो तो बैठे होंगे। 1000 कैंडिडेट न 95 कन्वर्ट करेंगे तो एक सेंटर का मारी जान पहचान के 10 कैंडिडेट तो बांड आए होंगे। तो उन में 10 कैंडिडेट एक सेंटर में मारी जान पहचान के बैठ गए, तो उनने भी तो कोई सोर्स नजर आता ना। ये बनी बनाई बात है कि फलाना हिसार में 2 सेंटर में पेपर लीक था, फलाने कुरुक्षेत्र में 2 सेंटर में लीक था। यार ये भरम भरम वाली बातें हैं, कुछ हासिल नहीं होना। फिर कहेंगे मैं बिल्कुल अपने स्टैंड के ऊपर कायम हूँ। हाँ मैं जड़ा गलत साबित हो गया, मैं उड़ा माफ़ी भी मांग लूँगा, मतलब कोई जो है ना बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी इस बात के ऊपर। तो यह थी अपडेट भाई, एक तो बह निकाल दो कि पेपर कैंसिल होगा, कुछ नहीं होना आप सब खातर। एक पॉजिटिव न्यूज यह आई है कि पेपर जो कैंसिल होने का जो जिक्रा चला रहे थे सोशल मीडिया पर वो नहीं होना है, बेफिक्र रहे। और इंटरव्यू जैसे ही लिस्ट आओगी तो एक इंटरव्यू खातर वीडियो बना देंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, मैं बार बार वीडियो बना के आपने इसीलिए पॉजिटिव कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नेगेटिव होने की वजह से कई बार डिप्रेशन में चले जाए हैं। तो भाई डिप्रेशन में ना जाओ, जहाँ तक ग्रेस मार्क्स की बात है तो वो HSSC के ऊपर डिपेंड करेगा। ना दिए तो आप कोर्ट में भी चलाएंगे, 3-4 क्वेश्चन खातर बिल्कुल जाओगे, बेफिक्र। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल बेनिफिट होगा आपने। तो भाई यह थी एक अपडेट, आपने अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर सको, शेयर कर सको दूसरे साथियों के साथ। ठीक है, और चैनल ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यह एक पॉजिटिविटी है कि अपने साथ फिजिकल के कितने लोग जुड़ रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो भाई। तो यह थी अपडेट, वीडियो ने लास्ट तक देखने खातर तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।